हेलो हैप्पी लर्नर्स, वेलकम बैक टू जीपैट डिस्कशन सेंटर। सो डियर स्टूडेंट्स, चलो आज हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन, हम लोग नेम रिएक्शन सीरीज देख रहे थे। नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो हम आज देखने वाले हैं डियर, वो है क्या, हंसिडिकर रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है क्योंकि ये क्या, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड ये रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या, ब्रोमीन का आपको एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा होता है, ठीक है। क्या ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ पे आकर के ऐड होगा और यहाँ से क्या हो रहा होता है, जो आपका सिल्वर सॉल्ट होता है वो क्या होगा, यहाँ से हटेगा। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो, एडिशन ना कह के सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। हंसिडिकर रिएक्शन क्या है, देखो इसमें आप कोई भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, आइदर एरोमेटिक कंपाउंड में आप उसको ले लो सॉल्ट को, या फिर क्या नॉर्मल सिंपल सी चेन में। जैसे यहां पे देखो हमने बेंजीन में ले रखा है अपने सॉल्ट को, हम इसको क्या ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना, आर सी ओ ओ ए जी, ठीक है क्या, हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना कि सिर्फ बेंजीन ही देगा, क्या नहीं, ट्रिक के अकॉर्डिंग यहां पे हमारा बेंजीन आ रहा था, लेकिन ऐसा भी ये भी आपको ये हंसिडिकर रिएक्शन देगा, याद रखना इस बात को। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। अभी आप ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, इसको आप ट्रीट कराओगे किससे, ब्रोमीन के साथ में Br2 लोगे, और CCl4 की प्रेजेंस में आप क्या कराओगे, इस रिएक्शन को कराओगे। तो डियर यहां पे जो COOAG होगा ये यहां से क्या होगा, हटेगा, ये यहां से हटेगा और यहां पर आकर के क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा, ठीक है ना, ब्रोमीन ये आ जाएगा यहां पे। इसको आप हंसिडिकर रिएक्शन भी बोलते हो, और कई जगह पे ना इसको बोरोडीन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये दोनों ही चीजों को याद रखिए, बोरोडीन रिएक्शन भी इसको कई जगह पे बोला जाता है, क्योंकि यहां पे ब्रोमीन का क्या हो रहा है डियर, लास्ट में ब्रोमीन यहां पे ऐड हो रहा है। तो दोनों नाम से इसको याद रखना। अभी देखो क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड फॉर्म हो रहा है सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो क्या होती है रिएक्शन, चलो जल्दी से देखते हैं। ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे हमारा क्या सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको आपने क्या किया है, Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में थोड़ी सी हीट दी है, हीट दिया है, और आपको मिला क्या है डियर, यहां पे ब्रोमो बेंजीन मिल जा रहा है। यहां से क्या हो गया है, ब्रोमो ब्रोमीन आकर के यहां पे ऐड हो गया है, और यहां जो ऑलरेडी प्रेजेंट था ये क्या हुआ है, ये CO2 के फॉर्म में निकल गया डियर, और ये जो AG है यहां एक ब्रोमीन जो बच रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, देखो AgBr बन के निकल गया और CO2 यहां से निकल गया। अच्छा इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो आपको नेट वन कार्बन का लॉस हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो क्या, वन कार्बन का लॉस हो रहा है, क्योंकि यहां से एक CO2 के फॉर्म में कार्बन निकल रहा है। तो देखो ये है हमारी क्या रिएक्शन, एक कार्बन का लॉस हो रहा होता है और हमको यहां से क्या ब्रोमीन का प्रोडक्ट मिल रहा होता है। चलो अब जल्दी से इसका क्या देखते हैं, क्या देख लेते हैं जल्दी से, निमोनिक या फिर ट्रिक बोल सकते हो आप, क्या है ट्रिक इसके लिए, चलो देखते हैं। ये रही आपकी ट्रिक। तो एक साइंटिस्ट है हसमुख भाई, या फिर आप बोल दो एक बिजनेसमैन है हसमुख भाई, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं से ये नाम आएगा भी अपना। तो हसमुख भाई का क्या था, चलो बिजनेसमैन ही ले लेते हैं, बिजनेसमैन थे ये। क्या हुआ, इनको किसी पार्टी में जाना था, इन्होंने अपनी वाइफ को एक हफ्ते पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अब जिस दिन पार्टी थी उस दिन तक में भी इनकी वाइफ रेडी नहीं हो पाई है, ठीक है ना, रात में जाना है पार्टी में, अब तक इनकी वाइफ रेडी नहीं हो पाई है। अब हसमुख भाई का जैसा नाम है वैसा है इनका क्या होता है डियर, नेचर है, ये क्या बड़े ही हंसते रहते हैं जब देखो, ठीक है ना। तो चलो इनका क्या है, इन्होंने बोला अपनी वाइफ को काफी ज्यादा मजबूती के साथ, मतलब काफी प्रिपेयर होकर के बोला, क्योंकि इतना बोलना ही काफी ज्यादा इनके लिए रिस्की था, इनकी जान तक जा सकती थी। इन्होंने क्या बोला, सीसा दो बार, सीसा आप लोग को पता है भाई मिरर होता है, तो सीसा दो बार काजल चार, बस भी करो यार, सीसा दो बार सीसा देख रही हो, काजल चार बार लगा चुकी हो, और क्या बस भी करो यार, अब कितना हो गई रेडी, चलना भी, पार्टी खत्म हो जाएगी एक हफ्ते पहले, उन्होंने इन्फॉर्म किया था। चलो कोड को डीकोड करते हैं, अभी क्या है, सीसा से आपको याद रखना डियर, सी से हो गया सिल्वर, ठीक है ना, और सा से हो गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहां पर हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रखा था, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दो बार से हो गया डियर, Br2 आप यूज करोगे, रिएजेंट हो गए ये सारे, और क्या है काजल चार मतलब CCl4, काजल फोर से आपको CCl4 याद रखना है, बस भी करो से हो गया ये प्रोडक्ट आ गया, ये क्या क्या हो गया, बस और भी से हो गया यहां, क्योंकि देखो मैंने बेंजीन ले रखी थी इसलिए मैंने बेंजीन रखा है। अगर आप नॉर्मल अगर आप स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड ले रहे हो तो आप वहां बेंजीन मत ले आना, भी कह के कि सब भी बोले थे आप, तो वहां मत रखना, बस ब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएगा,
विद, इसीलिए मैंने लास्ट वाला क्या ये पॉइंट भी यहां मेंशन किया, बस भी करो यार से, क्योंकि एक CO2 का देखो हमारा नेट लॉस हो रहा था तो एक CO2 निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या इसकी डिकोडिंग, क्या है, सीसा दो बार काजल चार, बस भी करो यार, क्या होगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या करोगे जब ट्रीट कराओगे ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमको क्या मिलेगा ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड या फिर अगर बेंजीन लिया था तो क्या हो जाएगा आपका एरिल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी डियर क्या हंसडिकर रिएक्शन, आई होप आपको ये समझ में आई होगी और ट्रिक भी इसकी काफी इतनी फनी सी है, याद रख लीजिएगा इसको, बहुत ही आपके लिए क्या इजी रहने वाला है, आपको हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच डियर, मिलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।